जयपुर शहर में पानी की किल्लत और सफाई को लेकर सिविल लाइन विधानसभा बीजेपी प्रत्याशी अरुण चतुर्वेदी और बीजेपी के शहर अध्यक्ष मोहनलाल गुप्ता के नेतृत्व में जल अभियंत्रिकी विभाग के चीफ इंजीनियर को पानी की सप्लाई को लेकर ज्ञापन दिया और मटका फोड़ प्रदर्शन किया। गणपति नगर स्टेडियम से जुलूस के रूप में बीजेपी के कार्यकर्ता पीएचईडी डिपार्टमेंट पहुंचे, जहां पर मुख्य द्वार पर कार्यकर्ताओं ने मटकी फोड़े और चीफ असिस्टेंट स्टैंड इंजीनियर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन, जिसमें मांग की गई पानी की सप्लाई में भाई भतीजावाद दिया। कांग्रेस वादा ना करके आम जनता को पानी पहुंचाया जाए, क्योंकि सभी क्षेत्रों में यह देखा जा रहा है कि कांग्रेसी के कहने पर पानी की सप्लाई तुरंत प्रभाव से होती है, जबकि अन्य आम जनता के लिए दो दिन तक पानी की सफाई नहीं दी जा रही। इस मौके पर जयपुर सांसद रामचरण पहुंचे और उन्होंने तुरंत प्रभाव से पानी की किल्लत को दूर करने की बात कही। पानी किल्लत बहुत है भाई साहब, आगे रोल भाई साहब, किस तरह की किल्लत महसूस कर रहे हैं आज पूरे जयपुर शहर में, जिस तरह का पानी के लिए त्राहि त्राहि मचा हुआ है और आए दिन हम अधिकारियों को और सरकार को ज्ञापन भी दिए हैं और ये पता था कि विशलपुर में पानी कम है और आज तक उसकी माकूल व्यवस्था सरकार ने नहीं की है। आज परेशान होकर आज हमारे को यहाँ पर जल भवन में आकर ज्ञापन देना पड़ने की आवश्यकता पड़ी है। जनता जिस तरह से पानी के लिए परेशान हो रही है, महिला वर्ग विशेष करके और जो घरेणी के रूप में वो काम करती है, उसके लिए सबसे ज़्यादा पानी की समस्या रहती है, चाहे वो किचन से संबंधित हो, चाहे बाथरूम से संबंधित हो, चाहे पीने के पानी से संबंधित हो। हम सरकार से मांग करते हैं कि व्यवस्थित रूप से किल्लत को ख़त्म करें और पानी के सोर्स डेवलप करके जनता को पानी का पानी मुहैया कराए और जो प्रोजेक्ट हमारी सरकार ने सैंक्शन किए थे उन प्रोजेक्ट को जल्दी अविलंब जारी शुभारंभ करें, ताकि पानी की किल्लत ख़त्म हो सके और जहाँ जहाँ ट्यूबवेल की आवश्यकता है वहाँ ट्यूबवेल खोदकर और अभी इमीजिएट पानी की राहत देने की आवश्यकता। जल शक्ति मंत्रालय बनाया है मोदी सरकार ने, अलग से विभाग बनाया है, अब संसद का सत्र पहला आउट होगा संसद का, आप क्या इस मुद्दे को उठाने वाले हो, क्योंकि यहाँ स्टेट में कांग्रेस की सरकार है, केंद्र में बीजेपी सरकार है, तो फंडिंग का जो देखिए स्टेट गवर्नमेंट का भी इसमें विशेष रोल है। बाकी हमारी तरफ से जल शक्ति मंत्रालय हमारे राज्य के सांसद गजेंद्र जी शेखावत को बनाया है, हम प्रयास करेंगे कि हम हमारी पूर्व सरकार ने ईस्टर्न कैनाल योजना बनाकर भेजी थी, उस योजना को जल्दी मूर्त रूप दिया जाकर और उसको लागू किया जाए। राजधानी की बात में आपने रामगढ़ बांध के लिए कहा था कि उसका जो पानी है और इतना जो ईस्टर्न कैनाल से ही रामगढ़ बांध में पानी आएगा और उससे ही कालक बांध में पानी आएगा और जनता को जो शहर की चार दीवारी जनता उससे रामगढ़ पानी से पानी पीती थी, वो अगर वो भर जाएगा तो जनता को इस चार दीवारी को पानी की किल्लत खत्म होगी। काले रंग से बह रहे और शायद वो लोकसभा चुनाव हारने का मातम इस काले रंग से मनाना चाहती है। केसरिया वो रंग है जो सूरज की पहली किरण केसरिया होती है। हमारे यहाँ हवन करते हैं, पूजन करते हैं तो केसरिया निकलता है। इस देश के स्वाधीनता सेनानी उस केसरिया को लेकर के निकले थे, केसरिया बाना पहन करके निकले थे और इस कांग्रेस की सरकार केसरिए से बैर करती है। इसके खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जब ज्ञापन अपना नामांकन भरने जाते हैं तो तिरंगा तो एक होता है, कांग्रेस पार्टी का झंडा एक होता है, लेकिन चारों तरफ हरे झंडे होते हैं, इनको केसरिया से बहरे बाकी से। देखिए अभी सदस्यता अभियान के नाते से राष्ट्रीय स्तर पर प्रभारी प्रभारी की नियुक्ति हुई है, अगले दो तीन दिन में प्रभारी शिवराज सिंह जी को मीटिंग बुलाएंगे, उसमें बैठ करके देश भर के सदस्यता अभियान का
एक कार्यक्रम तय करेंगे, किस प्रकार से होगा, कब से कब तक होगा, उस सारे कार्यक्रम को केंद्रीय नेतृत्व से अनुमति मिलने के बाद कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। तो बात की मतलब सरकारी स्कूलों में जो साइकिल का रंग था उसको भी सरकार की पूरी तरह लापरवाही है। गर्मी का सीजन है, लोगों का हलक। देखिए, राजस्थान में एक संवेदनहीन सरकार काम कर रही है, चाहे पानी का विषय हो, बिजली का विषय हो, आम आदमी से जुड़ी सब समस्या। और पानी ऐसी चीज है, हमने कहा वो सुनिए कि बिन पानी सब सून। और इस राजस्थान में 1% पानी है, सबको पता है। उसके बाद भी पिछली भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सिस्टमेटिक तरीके से पानी देने की व्यवस्था करी थी। अब हालत यह है कि राजस्थान सरकार के मंत्री कहते हैं पानी देने के स्थान पर मटके ही नहीं फूटे तो पानी की समस्या किस बात की, अभी तक मटके ही नहीं फूटे। आज हालत ये हो गई कि टैंकरों की कालाबाजारी, टैंक जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्यूबवेल के माध्यम से पानी के सप्लाई करने का सिस्टम है, उस सिस्टम को कहाँ हमें वोट अधिक मिले थे इस आधार पर चेंज करने की बात हो रही है। पानी के जो समय उस समय के ऊपर बिजली काट करके लोगों को समस्या खड़ी करने का काम हो रही है। बार बार कहने के बाद भी टैंकर मंगाना है तो कांग्रेस के एजेंट को बात करो, उसको कहोगे वो कहेगा तब पानी आने की बात कही। इस विषय को लेकर के हमने सिविल लाइन्स के विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने जल भवन पर प्रदर्शन किया है। सिविल लाइन्स वो क्षेत्र है जहाँ सारी सरकार रहती है, मंत्रियों को पानी की आबाद गति से सप्लाई और आम आदमी त्राही त्राही करता रहे, इसलिए हमने जगाने के लिए जल भवन मुख्य अभियंता महोदय को अपना ज्ञापन दिया है और उनसे कहा कि इसका सिस्टम बना करके ये पानी सब तक पहुंचे, जितना है उसको पूरी प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने का सिस्टम बने, इसलिए ज्ञापन देकर के उनको सही करने की मांग। जब अभी अंदर जब ज्ञापन दिया तो आप लोगों ने कहा कि मात्र 2000 टैंकर सप्लाई किए जा रहे हैं और 35-40 लाख की आबादी है, लेकिन आपकी सरकार के समय मात्र 1700 टैंकर से पानी की सप्लाई होती थी, तो ऐसी क्या स्थिति हुई कि आपने कोई सुदृढ़ व्यवस्था नहीं की पूर्ववर्ती जो आपकी? देखिए, पहली बात तो आप भी यहाँ थे, 5 साल पानी को विषय को लेकर के आंदोलन समाप्त हो गए थे क्योंकि पानी का एक सिस्टम बन गया। पानी के विषय को लेकर के ट्यूबवेल, और मुझे ध्यान है कि जयपुर में भी इस विधानसभा में अगर ध्यान करें तो 2008 से 13 तक 1200 करोड़ पानी के ऊपर खर्च किया था पिछली अशोक गहलोत की सरकार ने, और वसुंधरा जी की सरकार में 12000 करोड़ खर्च हुआ था। हमने 20000 करोड़ रुपये खर्च किए और इस जयपुर में 1200 करोड़ खर्च किए। और केवल हम बात करें सिविल लाइन्स की तो लगभग 150 करोड़ के आसपास इस सिविल लाइन्स में आप पानी की टंकी, चाहे वो हमने बनाने की बात की हो, स्विच फार्म पर बनाने की बात हो, गुजर की छड़ी की सेंक्शन की बात हो, सी स्कीम की पानी की टंकी की बात हो, बनी पार्क की पानी का सारा चेंज करने की बात हो, इस पानी का पूरा सिस्टम खड़ा किया। इसलिए टैंकर की आवश्यकता होती है डिमांड सप्लाई के आधार पर। आपने ट्यूबवेल नहीं खोदे, ट्यूबमेट जो थे उनको कमीशन नहीं किया, जो ड्राई हुए थे उनको रिवाइव करने का काम नहीं किया, जो बन गए थे उसको सिस्टम को हमने करके कमीशन करके पानी को डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू किया जाए उसको नहीं किया। इसके कारण से टैंकरों की अधिक व्यवस्था करने के बाद भी आज जनता त्राही त्राही कर रही है, क्योंकि टैंकरों की कालाबाजारी हम नहीं करें, आपने स्वयं ने अपने चैनलों के माध्यम से, पत्रकारों ने भी जनता के साथ उनको पकड़ करके जनता के सामने नंगा करने का काम किया। ये पूरी तरह से कांग्रेस सरकार के नुमाइंदों के आधार पर, उनके एजेंटों के माध्यम से, उनकी मिलीभगत से टैंकरों की कालाबाजारी चल रही है। जयपुर शहर में जो पानी की किल्लत है उसको दूर करने के लिए सरकार ने पानी के टैंकर भिजवाने की व्यवस्था कर रखी है, लेकिन इस टैंकर व्यवस्था में भारी भ्रष्टाचार है, भाई भतीजावाद है और कांग्रेसवाद है। हम इसका घोर विरोध करते हैं, क्योंकि जिनको टैंकर चाहिए या जिनको टैंकरों में सप्लाई हो रही है उनको कांग्रेस के लोग डायरेक्ट करते हैं तो ही वो पानी आ रहा है, आम जनता को पानी नहीं जा रहा है, टैंकर नहीं जा रहे हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो टैंकरों की व्यवस्था है ऑनलाइन हो और व्यक्ति देख सके। मैंने जब शिकायत की तब उसको टैंकर पहुंच गया, या कब पहुंचेगा, वो क्यों में है या नहीं है और किस कब तक उसके पानी की सप्लाई हो जाएगी, इस प्रकार की व्यवस्था की जाए, इस बात के लिए हम मांग करने आए हैं। आज जयपुर शहर की तरफ से यहाँ है सांगानेर विधायक अलग कर रहे हैं, तो अलग अलग कर रहे हैं, कल फिर आप जयपुर शहर के मिस्त्री खाने पे करने की बात कर रहे हैं। हम सब लोग अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में प्रदर्शन करेंगे, आज सांगानेर में और सिविल लाइन में है, कल किशनपोल में है, उसके बाद सोमवार को फिर किशनपोल में, जोड़ी बाजार में और मालवीय नगर में, विद्याधर नगर में, बगरू में, इन विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग प्रदर्शन होकर के फिर जयपुर शहर का एक प्रदर्शन कम्बाइंड होगा, यदि सरकार समस्याओं का समाधान नहीं करेगी। भाई साहब, क्या आपको ये नहीं लगता